हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनकल कैरियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आप सबके लिए काफी बड़ी खुशखबरी लेके आया एसएससी। और एसएससी की अगर बात करी जाए तो जो सबसे ज्यादा अभी जो चर्चा में जो सब्जेक्ट था कि एसएससी इस बार नौकरियां लेके आएगा नहीं आएगा, कितनी पोस्ट लेके आएगा, सारी की सारी चीजें अभी तक बहुत डाउट में थी कि इस बार सीजीएल की पोस्ट आने भी वाली है कि नहीं आने वाली। क्योंकि इस बार अगर बात करी जाए तो इस बार इस पोस्ट को लेके बहुत ज्यादा डाउट लग रहा था, सबके मन में बहुत ज्यादा संशय था कि ये पोस्ट आएगी। और उसके बाद अगर सबसे बड़ी पोस्ट की बात करी जाए तो जीडी कांस्टेबल, जिसकी लगभग 57,000 पोस्ट पेंडिंग है, तो ये पोस्ट आने वाली है कि नहीं आने वाली। इसके अलावा बात करी जाए एसएससी सब इंजीनियर, एसएससी एमटीएस और एसएससी एचएसएल का नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो सारी की सारी पोस्ट है, एसएससी ने इस बार हमें निराश नहीं किया है और सारी की सारी पोस्ट इस बार भी आने वाली है। तो पूरे की पूरी पोस्टों के लिए एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी कि इतनी बंपर वैकेंसी आने वाली है, खासतौर पर जीडी कांस्टेबल की पोस्ट जो दिसंबर में आने वाली थी, दिसंबर में 23 दिसंबर को उसका नोटिफिकेशन आने वाला था, फिर इसको उठा के एसएससी ने अपने कैलेंडर से हटा दिया था, लेकिन इसको फिर से अपने कैलेंडर में लेके आया एसएससी। और इसके बाद बात करिए सीजीएल एग्जामिनेशन की, तो सीजीएल एग्जामिनेशन को लेके बहुत ज्यादा डाउट था कि एग्जामिनेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इसके बाद बात करिए एमटीएस एग्जामिनेशन की, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो एग्जामिनेशन होता है और एसएससी सब इंजीनियर के लिए जो एग्जाम होता है, ये सारे के सारे एग्जाम होने वाले हैं। आइए बात करते हैं कि एग्जाम कब और कहां पे कौन सी डेट में होने वाले। तो इसके लिए एसएससी ने जारी किया अपना कैलेंडर। तो आइए देखते हैं कि एसएससी ने अपने कैलेंडर में क्या बोला है, कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। तो इसके लिए एसएससी का कैलेंडर जानना बहुत जरूरी है। तो अगर कैलेंडर पे नजर डाली जाए एसएससी के, तो एसएससी के कैलेंडर में कुछ चीजें क्लियरली मेंशन दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली बात है कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टायर 2 2017, यानी कि पिछली बार जो टायर 1 हुआ था कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का, जो एसएससी का एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें सारे के सारे कंबाइंड ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी भी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो वो उसका जो टायर 2 है ये आ गया है 17 फरवरी 2018 से 21 फरवरी 2018 तक। इसकी डेट में कोई भी चीज नहीं किया गया है। और टायर 3 की भी डेट इन्होंने दे दी है कि टायर 3 एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टायर 3 की डेट आ जाएगी 31 मार्च 2018, यानी कि टायर 2 का रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने देखने मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन, जिसके लिए आप लोग सब लोग मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो ये है आपका 4 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है एसएससी सीएचएसएल का। इसके बाद बड़ी बात करी जाए जूनियर इंजीनियर, जो 2017 में जिसका पेपर नंबर 1 हुआ था, उसका पेपर नंबर 2 29 अप्रैल को होने वाला है, तो एक और चीज आउट हो गई। इसके बाद बात करी जाए टायर 4, जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का टायर 4 है, वो भी इसका नोटिफिकेशन बाद में आएगा, यानी टायर 3 के राइटअप के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिल्ली पुलिस में जो एसआई वाली भर्ती होती है, एसआई सीए पीएफ एएसआई सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस का जो एग्जामिनेशन होता है, इट वुड बी ऑन, यानी कि एग्जामिनेशन कब होगा, 4 जून 2018 से लेकर 10 जून 2018 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। इसका मैंने जब बताया था कि अपकमिंग वैकेंसीज का भी मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक पेपर होता है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये पूरे का पूरा सॉरी दिल्ली एसआई, दिल्ली पुलिस में जो एसआई वाला पेपर होता है, एसआई और एएसआई वाली जो पोस्ट आती है, इसमें इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लेवल की जो पोस्ट आती है, ये पेपर होगा 4 जून 2018 से लेकर 10 जून 2018 के बीच में। और इसके लिए जो पूरे के पूरे नोटिफिकेशन उम्मीद की जा रही 3 मार्च 2018 से 2/4/2018 तक इसके फॉर्म भरे जाना है। इसके बाद बात करी जाए कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल हायर सेकेंडरी लेवल टायर 2 की, जो कि 2017 का टायर 2 है, तो ये हो जाएगा 8/7/2018 को। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 1, यानी कि इस बार कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का पेपर वो होता है जो एसएससी कंडक्ट कराता है और ग्रेजुएट लोगों के लिए पेपर कंडक्ट कराता है, और ये पेपर की डेट भी आपके सामने आ गई है 25/7/2018 से 20/8/2018 के बीच में पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो 25 जुलाई 2018 से बीच में से लेके 20/8/2018 तक ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। इसके फॉर्म भरे जाएंगे अप्रैल और मई के महीने में। इसके बाद बात करते हैं एसएससी स्टेनो का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो स्टेनो का कब पेपर होगा, 26/8/2018। इस तरीके से स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी का जो पेपर होगा, ये होगा 4 सितंबर 2018 से लेके 8/9/2018 तक। कंबाइंड जूनियर ट्रांसलेटर का जो पेपर होता है पेपर 2, इसका पेपर होगा 4/11/2018 को। और जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन
पेपर वन यानी कि जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए जो पेपर होगा वो होगा नवंबर में। तो जूनियर इंजीनियर की अगर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए काफी अच्छी खुशखबरी है कि जूनियर इंजीनियर का पेपर इस बार नवंबर में होगा और नवंबर 14/11/2018 से लेकर 20/11/2018 के बीच में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। अगर सीजीएल 2018 की टायर 2 और टायर 3 की बात करी जाए तो बहुत लंबा गैप दिया है सीजीएल ने। बात करी जाए जुलाई में आपका पूरे जुलाई एंड में इसका पूरा का पूरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा तो 27/11/2018 से लेकर 30/11/2018 के बीच में टायर 2 और टायर 3 कंडक्ट होने वाला है। इसके बाद बात करी जाए सीआईएसएफ का जो टायर 2 का पेपर है ये होगा 1/12/2018 को और मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन का जो पेपर होने वाला है इट विल बी अराउंड इसका जो नोटिफिकेशन आएगा ये दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के बीच में होने वाला है। तो ओवरऑल सारे के सारे एग्जामिनेशन की लिस्ट आपके सामने है। अगर इस एग्जामिनेशन को देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पे अगर नजर डाली जाए तो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में कौन कौन से एग्जामिनेशन आपके सामने हैं तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो आप एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन फेस कर सकते हो। एसएससी सीजीएल के अलावा एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन आप फेस कर सकते हो जो कि कब होने वाला है 28 जुलाई से यानी कि जुलाई एंड में ये पूरा का पूरा पेपर होने वाला है। तो ये आप एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन फेस कर सकते हो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। अगर आपने कोई टाइपिंग वगैरह में डिप्लोमा किया है तो इसको आप एसएससी स्टेनो का एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर आपको पुलिस भर्ती में शौक है तो पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस एसआई का जो आपका पूरा का पूरा पेपर होने वाला है दिल्ली पुलिस एसआई का नोटिफिकेशन मार्च में ही आ जाएगा आपके सामने। तो दिल्ली पुलिस एसआई एएसआई तो ये एसआई और एएसआई दिल्ली पुलिस की काफी अच्छी पोस्ट होती है क्योंकि सीधे रिक्रूटमेंट होता है सीआईएसएफ में। और इसके बाद अगर आपको कांस्टेबल लेवल पे तैयारी करना है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की लगभग 57,000 जो पोस्ट पेंडिंग है उसका नोटिफिकेशन भी आपके सामने है। तो पूरा का पूरा इसका नोटिफिकेशन भी इस कैलेंडर में दिया गया है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसकी लगभग 57,000 पोस्ट आपके सामने आने वाली है तो इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसके अलावा एसएससी जूनियर इंजीनियर की बात करिए तो जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन भी नवंबर के महीने में है। और जूनियर इंजीनियर के अलावा अगर एसएससी एमटीएस की बात करी जाए एमटीएस क्या होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो 10th बेस लेवल पे जो पेपर होता है उसे बोला जाता है एसएससी एमटीएस। और एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन होगा दिसंबर में। और दिसंबर के अलावा अगर एसएससी सीएचएसएल की बात करी जाए जो कि 12th बेस पेपर होता है तो एसएससी सीएचएसएल का पेपर आपको ऑलरेडी पता है कि अभी अभी आपके पूरा का पूरा पेपर का शेड्यूल आपके सामने मार्च में पूरा का पूरा सीएचएसएल का पेपर होने वाला है। तो एसएससी की साइड से अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल यानी कि आपकी पूरी की पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो इस बार तो और एक और चीज काफी अच्छी होगी जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 28 जुलाई को पेपर है। और 28 जुलाई को अगर पेपर है तो डेफिनेटली बात है फाइनल ईयर अलाउड ही रहेगा। और दिल्ली पुलिस एसआई और दिल्ली पुलिस एएसआई भी काफी अच्छी पोस्ट है। तो एसएससी के सामने एसएससी की तरफ से पूरा का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है वर्ष 2018 के लिए। तो अब तैयारी आपकी है और तैयारी आपको करना है बहुत दम से तैयारी करना है। अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तभी जाके आप अल्टीमेटली जुलाई में इस पूरे के पूरे पेपर को कंप्लीट कर पाओगे। तो अब अगर अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे तो फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून तो पर आपके पास ओवरऑल 4 महीने का टाइम है। 4 महीने में आप आराम से सीजीएल की तैयारी कर सकते हो। सीजीएल की जो पोस्ट होती हैं वो काफी ऊंचे लेवल की पोस्ट होती हैं। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो और इसके लिए पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस एसआई और अगर एसएससी जीडी कांस्टेबल की बात करी जाए तो इनकी तैयारी भी आप हमारे से कर सकते हो। और एसएससी एमटीएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप ये भी तैयारी कर सकते हो। और एसएससी सीएचएसएल के बैच अभी भी चल रहे हैं तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हो तो आप पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है क्वेरी आ रही है तो इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9039055453 और 9977161616। तो स्टे ट्यून्ड टेक केयर मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में। लेकिन इन नंबर्स को इन पूरी की पूरी पोस्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में वैकेंसी थोड़ी कम रहे और जैसा उम्मीद करी जा रही थी कि इस साल बंपर वैकेंसीज आएंगी तो ये बंपर वैकेंसीज आपके सामने आ चुकी हैं। और अगर एसएससी जीडी की जैसा प्रेडिक्शन दिया जा रहा है कि 57,000 पोस्ट आती हैं तो इट वुड बी मतलब बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा क्योंकि 57,000 पोस्ट तो काफी बड़े लेवल पे पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो स्टे ट्यून्ड टेक केयर मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में।